फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे किचन में। मैं आपकी अप्सरा आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए हेल्दी सा रेसिपी जो कि है बहुत ही मस्त और बनाने बहुत ही इजी और घर पे इजी से बन जाएगा आपका। और जो घर पे जो सामान है उसी से बन के तैयार हो जाएगी। आज मैं बनाऊंगी बिस्किट जो हर किसी को पसंद है, चाय के साथ कभी लिया जाए या फिर कभी लंच बॉक्स में पैक कर लेते हैं हम बिस्किट, कभी हम बाहर से भी खा लेते हैं, तो क्यों ना आज घर पे बना के हम बिस्किट खाएंगे, वो भी हेल्दी सा। मैं बनाऊंगी बिना मैदे का, मैं बनाऊंगी आटे का, गेहूं के आटे का, और उसमें कुछ नट्स डालूंगी, पीनट्स डालूंगी, मैं मूंगफली डाल के बनाऊंगी। ये काफ़ी हेल्दी बिस्किट होगा और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आए, तो जरूर मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। चलिए देखते हैं बिस्किट कैसे बनाना है। थैंक यू। चलिए फ्रेंड्स, आज बनाते हैं हम कुकीज बिस्किट जो घर में कभी भी आप चाय के साथ आप ले सकते हैं। चाय के साथ खाने में कुछ अलग ही मजा है ये बिस्किट। तो आज मैं बनाऊंगी हेल्दी सा बिस्किट, वो है आपका गेहूं का आटे से बनाऊंगी मैं, और उसमें यूज करूंगी थोड़ा सा पीनट्स, मूंगफली। चलिए बनाना शुरू करते हैं। पहले मैंने लिए है 1 कप आटा, गेहूं का आटा है, इसको हम छान लेंगे। थोड़ा सा बेकिंग पाउडर यूज करूंगी मैं। आधी छोटी चम्मच और इसमें यूज करूंगी मैं पाउडर शुगर। मैंने घर पे ये शुगर बनाया हुआ है, मैंने मिक्सी में पीस लिया है अच्छे से। तो करीब मैं 5 चम्मच चीनी यूज कर रही हूँ। आपको कम ज्यादा आप डाल सकते हैं, मीठा खाना जितना खाना हो आपको, आप कम भी ले सकते हैं ज्यादा भी ले सकते हैं, जैसे आपको मीठा पसंद है। अब ये तीनों चीजों को हम अच्छे से मिला लेंगे, मिला के अच्छे से इसको छान लेंगे। ये हमने सारा छान लिया है और थोड़ा सा मोटे मोटे जो है चीनी जो रह गए थे वो मैंने निकाल दिए हैं। अब हम इसको रखते हैं साइड। अब मैं इसे डालूंगी 1 चम्मच घी, 1 से 1.5 चम्मच घी, करीब 1.5 चम्मच। अब इसको अच्छे से मिलाएंगे और एक स्मूथ सा इसको बना के तैयार करेंगे। और इसको क्या करेंगे, इसे हाथ से ही हम अच्छे से मिलाएंगे जब तक ये स्मूथ ना हो जाए। ऐसे तोड़ के अच्छे से एक क्रीमी सा स्ट्रक्चर बन जाता है इसका। देखिए फ्रेंड्स, ये घी को मैंने अच्छे से मेल्ट कर लिया है, ये देख पा रहे हैं, ऐसा स्मूथ सा होना चाहिए। वो आपको हाथ से घोल के ही करना है। अब इसमें जो सूखे सूखे जो आटे जो हमने पहले से रेडी करके रखे हैं अब इसमें डाल देंगे। मूंगफली भी डाल देंगे, ये मैंने हल्का सा क्रस्ट कर लिया है इसको। मैंने मूंगफली को पहले ही रोस्ट करके और उसके छिलके निकाल दिए थे, अब इसको हमने थोड़ा सा क्रस्ट कर लिया है। और थोड़ा सा लूंगी मैं इलायची जो मैंने है इसको क्रस्ट कर लिया है, इसको भी अच्छे से। ये फ्लेवर के लिए है, अगर आप चाहें तो डालें नहीं तो ना डालें। अब इसको इसी घी में हम हल्के हाथों से मिलाएंगे अच्छे से। जैसे हम आटे को गूंथते हैं वैसे ही गूंथेंगे इसको। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, हल्का गुनगुना गर्म पानी है, पहले 1 चम्मच डाल के हम इसको मिलाएंगे और थोड़ा डालेंगे, टोटल 3 चम्मच हो गए। देखिए फ्रेंड्स, मेरा डो बनना शुरू हो गया है। मैं टोटल इसमें 7-8 चम्मच पानी यूज किया है सिर्फ। अब इसको मैं इस प्लेट में निकाल लेती हूँ।
ये हमने अच्छे से इसको मल लिया है अच्छे से। अब ये हमारा डो तैयार है। अब हम आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा ले सकते हैं। इस तरह से कि हम लोई तोड़ेंगे, एक बॉल बनाएंगे इसको अच्छे से दबाते हुए। ऐसे दबा देंगे और इसके ऊपर से हम एक चम्मच लेंगे इस तरह से, तो इसको हम दबाएंगे ऐसे करके, साइड से भी दबा देंगे ऐसे करके। दबा के हम ऐसे बनाएंगे। और एक दिखाती हूँ मैं आपको, बाजार की बिस्किट तो हम तो खाते ही हैं रोज का, तो घर की बिस्किट की बात कुछ अलग है, उसकी टेस्ट कुछ अलग है। क्योंकि हम घर पे बना रहे हैं तो हमें पता है कि हमने कैसे बनाए हैं, क्या क्या चीज़ें हमने यूज़ किए हैं, तो घर की बिस्किट की बात ही कुछ अलग है। ऐसे करके सारे बिस्किट को हम बना लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बिस्किट को बेक करते हैं। बेक करने के लिए मैंने कढ़ाई यूज़ की है, तो मैं कढ़ाई में बनाऊंगी बिस्किट। तो मैंने 7 मिनट पहले ही इसको बैठा दिया था गर्म करने के लिए। ये गर्म हो चुके हैं, ये नमक गरम हो गई है। अब इसमें रखूंगी एक स्टैंड और इसके ऊपर रखूंगी मैं कटोरी, ताकि इसको अच्छा हीट मिले। ये बिस्किट को मैंने इस तरह से बना के रखा है, थोड़ा सा गैप देके ही रखना चाहिए, ताकि इसको जब ये फूलेगा तो उसको स्पेस चाहिए। तो इसको हम डाल देते हैं इसके अंदर। मीडियम टू लो में इसको हम रखेंगे करीब 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के बीच में हम लोग 20 मिनट जब पूरे हो जाएंगे, उससे पहले एक बार 15 मिनट में चेक करके देखेंगे हमारा बिस्किट कैसा हुआ है, फिर दोबारा 5 मिनट पकाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, 10 मिनट हो चुके हैं हमें बिस्किट को रखे हुए। ये देखिए इसका कलर कितना बढ़िया सा चेंज हो गया है, कितना अच्छा कलर पकड़ रहा है। अब इसको और थोड़ा 10 मिनट रखेंगे तो टोटल 20 मिनट में हमारा बिस्किट तैयार हो जाएगा। ये धीरे 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 कलर चेंज हो रहा है इसका, और ये कितना अच्छा से फूल भी गया है और कितना अच्छा से बन भी गया है। अब इसको ढक के और 10 मिनट हम पकाएंगे। अब हम आंच को बिल्कुल ही धीमी कर देंगे, मतलब सेम गैस में अब इसको पकने देंगे। देखिए फ्रेंड्स, मेरा बिस्किट बनके बिल्कुल तैयार है। टोटल 20 मिनट हो चुके हैं, आपको दिखा देती हूँ कितना अच्छा कलर आया है इसमें और कितना मस्त सा बनके तैयार हो चुका है। अब मैं गैस को बिल्कुल ऑफ कर देती हूँ। अब इसको हम निकाल के बाहर करीब 10 मिनट के लिए इसको ठंडा होने देते हैं, फिर अपना बिस्किट देखते हैं कैसा है। देखिए फ्रेंड, ठंडे हो चुके हैं हमारे बिस्किट, बहुत अच्छे ठंडे हो गए हैं। और इसको मैं आपको दिखाती हूँ कैसा बना है। ये देखिए, ये लग रही है ना बिस्किट जैसे, परफेक्ट हेल्दी बिस्किट। और इसमें पीनट्स है, घी भी है, और सबसे खास बात ये गेहूँ के आटे के हैं और ये मैदे के नहीं है। मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। जैसा बिस्किट होते हैं मार्केट में, वैसे ही बिस्किट बनके तैयार हुआ है। और ये आप घर पे जरूर बनाइए और ट्राई कीजिए, और मुझे कमेंट जरूर लिखिएगा। तो आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो जरूर मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट ना करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फिर मिलते हैं, थैंक यू।